महाराज जी, लोग गायत्री माता की महिमा के विषय में परेशान रहते हैं जानकारी, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। क्या है माता की महिमा, गायत्री माता जी की महिमा? गायत्री माता जो है ये परमेश्वरी है, ये भगवान सदाशिव की अर्धांगी स्वरूप है। ये माता गायत्री माता जो है ना परमेश्वरी है, ये जब जब स्वरूप रखती हैं तब तब ये ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणी रूप रख करके सृष्टि में विधान करती हैं यथाउचित, जो नियमन व्यवस्था है सृष्टि की, ये परमेश्वरी है। ये है साक्षात परमेश्वरी है। इसका जो विधान है शास्त्र में वह ऐसा अद्वितीय विधान है। इसका जो उपासना बताई गई है शास्त्रों में ये ब्राह्मणों के लिए विशेष है, ब्राह्मणों के लिए कामधेनु के समान है। यद्यपि यह उपासना संध्या उपासना है, ये सभी को करनी चाहिए जो द्विज में आते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये उपासना के विधान है। लेकिन जो क्षत्रिय है उसे दुर्गा गायत्री करनी चाहिए और जो वैश्य है उसको गौरा गायत्री करनी चाहिए। ये ब्राह्मणों की उपासित गायत्री है। गायत्री मंत्र जो है ना सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। इसका जो विधान आता है व्यास जी लिखते हैं, ये स्कंद पुराण में भी आता है, दुर्लभा सर्व मंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता न गायत्री अधिकम किंचित त्रिषु परिगीयते, न गायत्री शमो मंत्रो न गायत्री न काशीपुरी शम पुरी, जो काशीपुरी है न काशीपुरी के समान सदृश कोई पुरी है, न विश्व समम लिंगम, जो विश्वनाथ जी का जो लिंग है वह लिंग के समान कोई लिंग नहीं है पृथ्वी में, ऐसा व्यास जी लिखते हैं। अर्थात जो गायत्री मंत्र है इससे बढ़कर कोई लिंग नहीं है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, ये व्यास जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए तो गायत्री कामधेनु के समान है, गायत्री वेद जननी, गायत्री ब्राह्मण प्रसु, क्योंकि जो गायत्री है ब्राह्मण की उत्पत्ति गायत्री छंद से होती है। इसलिए माता गायत्री का ब्राह्मण प्रसु भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण की ये माता है। और गातारम त्रायते यस्मात गायत्री तेन जेते, जो गायत्री माता की उपासना करता है वो ब्राह्मण मोक्ष का अधिकारी होता है, क्योंकि मोक्ष पाना बड़ा कठिन है। लेकिन गायत्री की जो उपासना ब्राह्मण करता है ना, 3000 मंत्र अगर ब्राह्मण जप ले, 10-10 माला तीनों में कर ले, या किसी में ज्यादा या कम, तो उस ब्राह्मण की जो मोक्ष प्रणाली है वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। गायत्री माता की जो महिमा बताई गई है शास्त्रों में, स्कंद पुराण में लिखते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, गायत्री परो विष्णु, गायत्री को विष्णु से परे बताया गया है। गायत्री में परा शिवा, गायत्री का जो स्वरूप है वो शिव से भी पूर्ण स्थिति का बताया गया है, क्योंकि जो शिव है वही गायत्री है, ऐसा भी शास्त्र में आया है। अर्थात गायत्री माता का जो विधान आया है, गायत्री परा शिवा गायत्री परो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से भी परे गायत्री बताई गई है। और गायत्री माता का गायत्री त्रयी तथा, अर्थात गायत्री तीनों देवों से परे है, ये परमेश्वरी है। इसका जो उपासित ब्राह्मण है वह शंकराचार्य जी भी लिखते हैं बृहदारण्य उपनिषद में कि यह उपासना कर्तव्यनिष्ठ धर्मात्मा ब्राह्मण को देनी चाहिए। इसके अधिकारी जो कर्तव्यनिष्ठ अर्थात धर्मात्मा ब्राह्मण है वही है। सभी ब्राह्मणों को भी यह उपासना नहीं देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता है तो उस ब्राह्मण को भी गायत्री उपासना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गायत्री की उपासना सर्वदेव से उपरत अवस्था की है। जो मोक्ष परायण है उनको यह मंत्र देना चाहिए। यह गायत्री की उपासना का विधान बताते हैं। एक बार नारद जी को वेंकटेश पर्वत में नारायण का दर्शन होता है, जब नारायण का दर्शन हो रहा है तो नारायण स्वयं गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, तब यही नारद जी ने भी उनसे यह वृत्तांत पूछा कि इसका क्या रहस्य है, तो नारद से भी माता गायत्री माता का विधान बताया था नारायण ने। इसलिए गायत्री की जो उपासना है वो मोक्ष उपासना है, और मोक्ष उपासना का तात्पर्य है परमात्मा का मिलन। अगर किसी अत्रि जी ने भी यही पुरुषचरण किया था, गायत्री की उपासना अत्रि जी ने भी किया था, क्योंकि इस मंत्र के देवता तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश,
इसलिए गायत्री माता की कृपा से ही भगवान अत्रि को ये तीनों देवताओं की प्राप्ति हुई। फिर वो तीनों देवताओं की प्राप्ति हुई, उन्होंने वरदान में यही कहा कि मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो जो ये हमारी सनातनी पद्धति है, जो सनातन हमारा धर्म है, वो त्रिकाल संध्या का ही है। इसलिए त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण के लिए विशेष गायत्री ही करनी चाहिए। गायत्री करने वाला ब्राह्मण मोक्ष प्राण होता है। यद्यपि ब्राह्मण में ये गुण होने चाहिए कि ब्राह्मण हमेशा शत्रुगुणी होना चाहिए, ज्ञान से भरपूर होना चाहिए और वैराग्य की स्थिति उसमें दृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि हंस रूपी वह जीव के ज्ञान और वैराग्य दो पंखे हैं। अगर इन दो पंखों में सही सही निहित हुआ वो ब्राह्मण निश्चित ही मोक्ष का गामी होता है। इसलिए शिव जी की इच्छा से गायत्री माता की महिमा तो शास्त्रों में वर्णन ही है, लेकिन उसमें नियम का भी विधान आता है। यथाउचित नियम का पालन करे और संध्याओं में संध्या का विधान करे, और शिव जी की इच्छा से हमारे शास्त्रों में पुराणों में उनका वर्णन दिया हुआ है। उचित होगा महाराज जी, वेद पाठियों के लिए, जैसे वेद पाठी जो होते हैं उनके लिए यह उपासना कितनी लाभकारी है? शिव जी की इच्छा से वैसे देखा जाए तो पराशर स्मृति में भी आता है, गायत्री जप जो किया जाता है वो सर्व पाप को भस्म करने के लिए होता है। अगर देखा जाए तो जो गायत्री जप करता है ना, वो अगर 100 मंत्र जप दे तो उसका क्रियान्वयन पाप भस्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कर्म करते हो तो तुम्हें अवश्य ही ऐसा कर्म करना चाहिए, अर्थात गायत्री जप करना चाहिए, तो साधक के पाप भस्म हो जाएंगे। जिसके पाप भस्म होते हैं वो निर्लेप निर्विकार आत्मा हो जाती है। जब वो आत्मा निर्विकार हो जाएगी तो वो अशुद्ध चित आत्मा आनंद का अनुभव करने लगेगी। आनंद का अनुभव का मतलब है परमात्मा का हृदय देश में उसका लाभ प्राप्ति होने लगेगी। तो शिव जी की इच्छा से इसका जो विधान है शास्त्र में ऐसा ही आया है, ना गायत्र्याम परम मंत्रम सर्वेशम वेदानाम गुह उपनिषदः, ऐसा भी कहीं कहीं आया है, सारभूत तु गायत्री निर्मता ब्राह्मणों मुखात। ये जो जितना भी हम कहें उतना भी कम है। शास्त्रों में ऐसा ऐसा विधान आया है कि गायत्री से बढ़कर कोई ऐसी भी विधान नहीं है, ऐसा कोई भी विधान नहीं है गायत्री से जो बढ़कर विधान हो। लेकिन ये साधकों के लिए बहुत ही अच्छा है, यद्यपि ब्राह्मणों के लिए ही ये विशेषकर है। गृहस्थों के लिए क्या ऐसा उपाय है कि जिससे मतलब उनके पाप भी कट जाएं, समय भी कम क्षण में कम से थोड़ा संघर्षमय होता है, तो क्या है जप करना चाहिए कि पुण्यार्जन भी हो जाए और उनका कार्य दिनचर्या भी बनी रहे? ये संध्याएं हैं, सबके लिए संध्याएं बनी हैं, सब लोग संध्या करें। संध्या के बाद आने वाला जो समय होता है उसमें कुछ ऐसा विधान बना लें कि पूजन और हवन का, घर में भी रोज हवन करना चाहिए। हवन से जो है ना देव ऋषि पितर संतुष्ट होते हैं। जब ये कार्य करेंगे तो फिर कीर्तन पूजन करने से मनोवृत्ति जो है ना धर्म में हो जाती है, और धर्म वृत्ति ही आगे आने वाले समय में उसको एक नया राह देगी। अगले जो समय आएगा उसको धर्म स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि वो धर्म से रहना ही उसके लिए सर्वोपरि है। धर्म से रहे, धर्मचर्या करे, धर्म का आचरण करे।